गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई फटाफट। कल सीवर डिजाइन खत्म हुआ था ना। कल वी हैव फिनिश्ड द सीवर डिजाइन। तो आज का टॉपिक होगा ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। लोग कम है क्या बात है? आज तो नई साल भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली खत्म, कोशिश करेंगे कि परसों खत्म हो जाए एनवायरमेंट। परसों मतलब 1 तारीख को। किसी को कुछ परेशानी अभी तक? किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो, कुछ कहना सुनना हो, या फिर चलें आगे? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, ये जो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज है, सीवेज के ट्रीटमेंट में दो तरीके की स्टेप्स होती हैं, दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है यूनिट ऑपरेशन, एक होता है यूनिट ऑपरेशन
और एक को बोलते हैं यूनिट प्रोसेस, एक को बोलते हैं यूनिट प्रोसेस, यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। यूनिट ऑपरेशन उसको बोलते हैं जिसमें फिजिकल फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, जिसमें फिजिकल फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, फिजिकल फोर्सेस प्रीडोमिनेट्स, फिजिकल फोर्सेस का मतलब जैसे अगर आपको किसी तरीके की इम्प्योरिटी को रिमूव करना है तो उस इम्प्योरिटी का रिमूवल फिजिकल फोर्सेस की वजह से होगा, कोई केमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा। इधर जो यूनिट प्रोसेस की बात करते हैं, इस यूनिट प्रोसेस में बायोकेमिकल रिएक्शंस डोमिनेट करती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रीडोमिनेट्स। ऐसे कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनमें फिजिकल फोर्सेस डोमिनेट करते हैं? वो है आपका ग्रिड चैम्बर, ग्रिड चैम्बर, ठीक है। ग्रिड चैम्बर में क्या है, जो सेटलेबल सॉलिड्स होते हैं उन सेटलेबल सॉलिड्स का रिमूवल किया जाता है, जैसे पत्थर के टुकड़े हैं, तो उन पत्थर के टुकड़ों के रिमूवल के लिए हमको किसी तरीके की बायोकेमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं होती, वो आसानी से रिमूव हो जाता है। या फिर सेडिमेंटेशन टैंक है, या फिर सेडिमेंटेशन टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक में भी जो सेडिमेंट्स होते हैं जिनको सेट होना होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी सेट हो जाते हैं, इसमें भी आपको किसी तरीके की केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वाटर वाले केस में हम करते थे कोगुलेंट विद सेडिमेंटेशन, यहां पे वो प्रोसेस नहीं करते हैं। तीसरा होता है एक स्किमिंग टैंक, स्किमिंग टैंक, स्किमिंग टैंक में ग्रीस ऑयल सोप ये वगैरह वगैरह हटाए जाते हैं, नीचे से एयर ब्लो करवाई जाती है, तो जिस तरीके की इंप्योरिटी है जिसमें ग्रीस है ऑयल है वगैरह वगैरह वो ऊपर से स्विफ्ट ऑफ कर लिए जाते हैं। इसके अलावा बाकी सारी जो ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं, जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर है, जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर है, जैसे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, जैसे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, या फिर हम दोनों को अलग अलग करके रखते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट प्रोसेस है ये यूनिट प्रोसेस भी दो तरीके की होती है, यूनिट प्रोसेस भी दो तरीके की होती है। एक होता है अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, एक होता है अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, एक होता है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, एक होता है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है कि यहां पे जो इम्प्योरिटी होगी वो अटैच होगी, किसी भी फिल्टर पे अटैच होगी। आगे पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा कि इस तरीके का अरेंजमेंट होता है ट्रिकलिंग फिल्टर में, ट्रिकलिंग फिल्टर में, और यहां पे सस्पेंशन में रहता है। इसके नाम से पता चल रहा है कि जो भी इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी का मतलब यहां पे होगा ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर सस्पेंशन में रहता है। ऐसा होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, इन सब, ये पूरी कहानी रहने वाली है सीवेज ट्रीटमेंट की। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको तो लिख लो एक बार। लिखो फटाफट, परसों तक इसको खत्म करना है, परसों तक इसको खत्म करना है। और कुछ फिर सोच लेंगे, विश्वास इन द फिर सोच।
क्लास हो गई, अब बैठकर ही जाए। ताकि ये वीडियो बनाए यार, मैं तो बना लो। और क्या, हाँ बनाए दिनों का बनाया गया, हाँ 5-7 दिन हो गए। नहीं ये योगा पादुक ओके, नहीं वो बात है बोला जब मैं सर्टिफिकेट लिया उसका, हो गया फिर तो हम डॉक्टर साहब बोल देंगे आपको। नहीं हुआ लिखो जल्दी लिखा करो थोड़ा सा यार, 4 तो चीजें लिखनी है इसमें, इसमें 4 तो चीजें लिखनी है। डन एवरीवन, अभिनव सिंह लिख लिया होगा यार। अब इसमें जब ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट 3 चरणों में होता है, सीवेज का ट्रीटमेंट, देर आर 3 फेजेस ऑफ ट्रीटमेंट। पहला जो फेज है जिसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, इस प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में 3 चीजें आती हैं। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिनमें फिजिकल फोर्सेस डोमिनेट करते हैं सिर्फ सेडिमेंटेशन के अलावा, जो चीजें आसानी से रिमूव हो जाती हैं जैसे स्क्रीनिंग, जैसे स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग में बता सकते हो क्या चीजें रिमूव होंगी, लार्ज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, लार्ज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, या फिर लार्ज ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, पर है ना, चाहे वो फ्लोटिंग हो या नॉन फ्लोटिंग, अगर बहुत ज्यादा बड़े पत्थर के टुकड़े हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, तो स्क्रीनिंग में ये चीजें रिमूव हो जाएंगी। स्क्रीनिंग के बाद आता है ग्रिट चैम्बर, ग्रिट चैम्बर, ये ग्रिट चैम्बर वाटर के ट्रीटमेंट में नहीं होता है क्योंकि रॉ वाटर में इतने बड़े पार्टिकल नहीं होते जो सेट हो जाएंगे आसानी से, ये सेटलेबल सॉलिड्स के रिमूवल के लिए है, यहां सेटलेबल सॉलिड्स का रिमूवल होगा। और तीसरी चीज इनमें शामिल की जाती है स्कीमिंग टैंक, स्कीमिंग टैंक, स्कीमिंग टैंक में क्या करते हैं, नीचे से एयर ब्लो करवाते हैं विद प्रेशर, कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर, और कंप्रेस्ड एयर ब्लो करवाने के बाद इसकी सरफेस पे ऑयल, ग्रीस, सोप ये इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद उनको स्वीप ऑफ कर लिया जाता है। ये बात है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट की। दूसरी बात करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट की यूनिट्स और इनके अलावा सेडिमेंटेशन टैंक को ऐड कर लिया जाता है। इसमें प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट प्लस सेडिमेंटेशन टैंक, प्लस सेडिमेंटेशन टैंक। अब इस सेडिमेंटेशन टैंक में आपको पता है क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें रिमूव होती हैं, क्या इसकी प्रोसेस होती है, ये बिल्कुल सेम है जैसा वाटर ट्रीटमेंट में हुआ करता था। प्राइमरी ट्रीटमेंट से हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ठीक है, तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं इसके साथ,
द पर्पज ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, द पर्पज ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, purpose of primary treatment is to remove suspended solid. It will not remove the colloidal and soluble solids. Okay? मतलब वो सॉलिड कोई भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट रिमूव्स अप्रोक्सीमेटली, बाकी चीज मैंने लिखी दी है यहां पे, क्या रिमूव होगा वहां पे, क्या रिमूव होगा स्किमिंग टैंक में, क्या रिमूव होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट removes approx 60-70% of suspended solids. 60-70% of suspended solids. The BOD associated with these solids account for approx 30% BOD. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने ये सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव हुए 60-70%, इनमें लगभग 30% बीओडी हमने रिमूव कर दी पहले वाले फेज। इट मींस 30% बीओडी इज रिमूव्ड, 30% बीओडी इज रिमूव्ड बाय प्राइमरी ट्रीटमेंट, बाय प्राइमरी ट्रीटमेंट। देख लो इसको, डन।
इसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट का फ्लो चार्ट इस तरह से बना सकते हैं। हमारे पास एक प्लेन और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है। पीएसटी का मतलब है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में था। यहां पे सेडिमेंटेशन टैंक दो होते हैं, एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन होगा और एक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन होगा। प्राइमरी सेडिमेंटेशन तक किसी तरीके की बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है, तो ये रिमूव कर देगा जो भी सस्पेंडेड सॉलिड है वो। इसका जो एफ्लुएंट आएगा, इसका जो एफ्लुएंट आएगा, इसके एफ्लुएंट में क्या क्या हो सकता है? बीओडी होगा, मेन चीज हमको ये बीओडी को रिमूव करना है। मेन चीज जो है वो बीओडी है, उसको जो रिमूव करना है। ये जाएगा किसी भी रिएक्टर में, ये जाएगा किसी भी रिएक्टर में। अब यहां पे रिएक्टर का मतलब है, या एडिटर बोल देते हैं इसको, रिएक्टर का मतलब है जहां पे बायोकेमिकल रिएक्शन होंगी, चाहे वो ग्रिड चैम्बर हो, सॉरी ग्रिड चैम्बर में नहीं होगा, चाहे वो ट्रिकलिंग फिल्टर हो, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो, या वो दूसरी कोई यूनिट हो, आरबीसी हो, कोई भी दूसरी यूनिट हो जहां पे बायोकेमिकल रिएक्शन होंगी। बायोकेमिकल रिएक्शन के होने के बाद जो स्लज बनेगा, बायोकेमिकल रिएक्शन के पूरा होने के बाद, फिर हम इसको रख देते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद क्या होगा? जो स्लज होगा वो स्लज नीचे बैठ जाएगा और बाकी जो पानी है एफ्लुएंट इसका वो बाहर चला जाएगा। एफ्लुएंट मतलब पानी बचेगा जिसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। बाकी का जो स्लज बचा उस स्लज को ले जाएंगे हम स्लज थिकनर में। स्लज थिकनर में क्या करते हैं, इस स्लज के वॉल्यूम को कम करने की कोशिश की जाती है। यह कई बार इसको स्लज डाइजेस्टर में ले जाके फिर स्लज थिकनर में ले जाते हैं, स्लज डाइजेस्टर और फिर जाकर के स्लज थिकनर में ले जाते हैं, स्लज थिकनर में ले जाते हैं। यहां हम इसका वॉल्यूम कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी की सारी ट्रीटमेंट यूनिट्स होंगी अब जिनमें बायोकेमिकल रिएक्शन होंगी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अलावा, उन सभी यूनिट्स को कहा जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट। और यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में हमारा जो बेसिक काम होता है वो होता है पीओडी को रिमूव करना, बाकी जो सस्पेंडेड सॉलिड्स बच गए थे उनको रिमूव करना। ओके, ये एक एक चीजें देखेंगे, मैंने जो भी गोले में लिखी है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट यूजुअली कंसिस्ट, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूजुअली कंसिस्ट बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ डिसॉल्व्ड एंड कोलोइडल ऑर्गेनिक मैटर। बायोलॉजिकल कन्वर्जन, बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ कोलोइडल, क्या होता है कोलोइडल, एंड डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर इनटू बायोमास दैट कैन सबसीक्वेंटली बी removed by
सेडिमेंटेशन। लिखो यहां तक। हो गया। अब हमने ये कह तो दिया कि यहां से जो ऑर्गेनिक मैटर आएगा उसका यहां पे ट्रीटमेंट होगा। अब उस ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है, ट्रीटमेंट में होता क्या है, सभी तरीके के ट्रीटमेंट में, वो मैं आपको बताता हूं। जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है, उनमें क्या होगा। उनमें क्या होगा, है ना, एक मिनट दीजिए मुझे। देखिए होता क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है और कुछ बैक्टीरिया है, है ना, और कुछ बैक्टीरिया है, ये दो चीजें हैं। वेस्ट में जिस चीज को आपको रिमूव करना है वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, बीयूटी का मतलब ऑर्गेनिक मैटर। इस ऑर्गेनिक मैटर को आपको रिमूव करना है। अब यहां पर दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। हो सकता है ये बैक्टीरिया एरोबिक सिस्टम में काम कर रहा हो सकता है ये बैक्टीरिया अनएरोबिक सिस्टम में काम कर रहा हो। तो अगर एरोबिक सिस्टम में एक बैक्टीरिया काम कर रहा है, एरोबिक सिस्टम में अगर काम कर रहा है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एरोबिक सिस्टम में क्या करेगा, ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। इस बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए दो चीजें जरूरी है, एक भोजन और इसको जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन। अब कुछ एरोबिक सिस्टम में भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं, कुछ तरह के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एरोबिक कंडीशन में काम करते हैं जिनको एरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अनएरोबिक सिस्टम में काम करते हैं उनको अनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो दोनों में काम करते हैं उनको फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये सपोज बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया है जिसको ऑर्गेनिक मैटर मिल गया। जब कोई भी चीज भोजन करती है, जब अपन भोजन करते हैं तो क्या होता है, सेल्स इंक्रीज करती हैं, सेल्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करती हैं। तो जब बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ेंगे, कौन सी चीज कम होगी, यहां से किस चीज का अमाउंट कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर को जब बैक्टीरिया खाएगा तो ऑर्गेनिक मैटर तो कम होगा, और ऑर्गेनिक मैटर के कम होने के बाद दो चीजें बनेंगी, एक तो और बैक्टीरिया बनेंगे। इन बैक्टीरिया को ही बायोमास कहा जाता है, ये जो बैक्टीरिया है इनको बायोमास कहा जाता है, इनको बायोमास कहा जाता है। और इसके अलावा अगर एरोबिक प्रोडक्ट है तो एरोबिक अगर कंडीशन है तो कुछ एंड प्रोडक्ट बनेंगे, उन एंड प्रोडक्ट में हो सकता है CO2 हो, NO3 हो, SO4 हो, इस तरह की चीजें बनेंगी एरोबिक कंडीशन में। यहां पे जाके एरोबिक कंडीशन खत्म हो जाती है। ये प्रोग्राम कब तक चलता रहेगा, ये स्कीम कब तक चलती रहेगी, ये स्कीम कब तक चलती रहेगी बता सकते हो, टिल द एंड। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूं ना, एंड कब होगा,
ऐसा थोड़े कि दर्द तो धरती खत्म होगी जब तक धरती रहेगी। यस, जब ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया के पास कुछ भी नहीं बचेगा डिकम्पोज करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए। जब ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? जब ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर के खत्म होने के बाद एंडोजीनस रेस्पिरेशन शुरू होता है। एंडोजीनस रेस्पिरेशन में क्या करता है, बैक्टीरिया को भोजन तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो बैक्टीरिया अपने आप को खाने लगता है और एट द एंड सिर्फ डेड सेल्स बचती हैं बैक्टीरिया की। एट द एंड बैक्टीरिया की डेड सेल्स बचती हैं जिनको हम सेडिमेंटेशन से बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा ये तो एरोबिक सिस्टम की बात हुई। अगर अनएरोबिक सिस्टम हो, अगर अनएरोबिक सिस्टम हो तो अनएरोबिक सिस्टम में भी बिल्कुल सेम चीज होगी, ऑर्गेनिक मैटर। और इसमें ये जो स्टेप है, ये अनएरोबिक सिस्टम या अनएरोबिक जो रिएक्शन है वो दो स्टेप में पूरी होती है। अनएरोबिक रिएक्शन दो स्टेप में पूरी होती है। पहले स्टेप में एसिड बनते हैं जिसको बोलते हैं एसिड फॉर्मेशन। एसिड फॉर्मेशन, एसिड फॉर्मेशन में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर को एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, कुछ नए बैक्टीरिया बनाएंगे, न्यू बायोमास, न्यू बायोमास, और कुछ एसिड बनेंगे और अल्कोहल बनेंगे, एसिड बनेंगे अल्कोहल बनेंगे। दूसरी जो स्टेज है उसमें होता है मेथेन फॉर्मेशन, उसमें होता है मेथेन फॉर्मेशन। उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर और बैक्टीरिया, मतलब मेथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये इसमें क्या होगा, कुछ अलग नए बायोमास बनेंगे, अलग बायोमास बनेंगे। उसके अलावा जैसे CH2 या CH4, H2S, इस तरीके के एंड प्रोडक्ट बनेंगे। ये एंड प्रोडक्ट हाईली एनर्जेटिक होते हैं, मतलब इनमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, इनमें स्टोर्ड एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि एरोबिक सिस्टम को चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से एरोबिक सिस्टम के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं उनमें स्टोर्ड एनर्जी कम होती है। हमको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, तुमको इतने बार इतने अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ सिंपली कि एरोबिक सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है इसमें स्टोर्ड एनर्जी कम होती है। इसको चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है या फिर एनर्जी का कंजम्पशन कम होता है, इस वजह से अनएरोबिक प्रोसेस बहुत स्लो परफॉर्म करती है, एरोबिक प्रोसेस ज्यादा तेजी से परफॉर्म करती है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि एरोबिक रिएक्शन हो, क्योंकि एरोबिक रिएक्शन में इस तरीके के एंड प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, एरोबिक रिएक्शन में इस तरीके के हाईली एनर्जेटिक एंड प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। अब जैसे CH4 है, ये कभी कभी तो काम आ जाती है, जो ट्रीटमेंट प्लांट है उस ट्रीटमेंट प्लांट की लाइट बनाने के भी काम आती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बनती है इसमें, आगे हम देखेंगे। तो हम ये चाहते हैं हमेशा कि एरोबिक कंडीशन बने, क्योंकि एरोबिक कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती और ऑर्गेनिक मैटर अपने आप खत्म हो जाता है बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया भी अपने आप खत्म हो जाता है। बैक्टीरिया तो इन दोनों में सेम ही तरीके से खत्म होगा, एंडोजेनस रेस्पिरेशन से। ये पूरी प्रोसेस होती रहती है जो हमारा बीच में रिएक्टर था उस रिएक्टर में। कहानी समझ में आ गई? मतलब हमेशा यही होता रहेगा पूरे सीवेज ट्रीटमेंट में, हमेशा यही होता रहेगा, बस इसका कुछ कुछ तरीका अलग है किसमें किस तरह से होता है, किसमें किस तरह से होता है, बाकी जो मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक मैटर के रिमूवल का वो यही है। समझ में आया? हाँ भाई,
विटामिन सी के लिए कौन कौन से फल लेते हैं आपके लिए? नहीं, अपन में विटामिन सी पर्याप्त एक्सेस है एक्चुअली। एक्चुअली आई हैव एक्सेस। संतरा, नींबू, आंवला, किन्नू, अमरूद। आई हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ सिट्रिक। सिट्रिक एसिड तो एक पर्टिकुलर केस है। तपा हुआ है खिचड़ी बनी है पूरी की खाओ खाली खिचड़ी खिचड़ी बाद में की ना चाहिए ताकि जैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि तू आधे भी खींच जाए। तो मैं तो फ्री एक घंटे बाद तब तक मैं डन। ब्लर तो नहीं दिख रहा होगा? और किसी को ब्लर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारा। ये कहानी समझ आ गई तो फिर कुछ भी नहीं है ट्रीटमेंट प्लांट में। सीवेज के ट्रीटमेंट में ये कहानी समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है बस। बाकी तो जो कैलकुलेशन है, जो तुमको फॉर्मूले गिवन होंगे उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। मैकेनिज्म पूरे का पूरा यही रहेगा। अब एक एक स्टेप देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्क्रीनिंग। सबसे पहले देखते हैं स्क्रीनिंग। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं स्क्रीनिंग का, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखूंगा। तुमको सब चीज पता है स्क्रीनिंग के बारे में, क्या मैकेनिज्म है स्क्रीनिंग का वो भी आपको पता है, तो सिर्फ स्क्रीनिंग लिखना काफी रहेगा। दूसरा है, ये हमने नहीं पढ़ा ग्रिट चैम्बर। ये हमने नहीं पढ़ा ग्रिट चैम्बर। ग्रिट चैम्बर, ग्रिड चैम्बर क्या होता है? दो शेप के होते हैं, या तो इस तरीके की शेप का होगा या इस तरीके की शेप का होगा। जनरली हम ऐसे काम ले लेते हैं, जब डिजाइन करते हैं तो हम ऐसे ही डिजाइन करते हैं। अब होता क्या है इस ग्रिड चैम्बर में, ये तो क्रॉस सेक्शन दिखाया है, ये अलोंग द लेंथ होगा। ये बहुत लंबे लंबे चैनल होते हैं, 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, इस तरह से ऐसे चैनल्स होते हैं ये। इन चैनल में हम क्या करते हैं, वाटर को फ्लो करवाया जाता है, और वाटर के फ्लो की जो वेलोसिटी है, वाटर के फ्लो की वेलोसिटी ऐसी रहती है ताकि उसमें सस्पेंडेड सॉलिड जमा नहीं हो और सारे के सारा जो सेटलेबल सॉलिड है वो सेटलेबल सॉलिड जमा हो जाए। क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है, या फिर हम यहाँ पे जिस चीज के रिमूवल की बात करते हैं वो जनरली इनऑर्गेनिक होता है, जनरली इनऑर्गेनिक मैटर होता है। हम सस्पेंडेड सॉलिड्स के रिमूवल को इसमें अलाउ नहीं करते, या सस्पेंडेड सॉलिड के पार्टिकल की सेटलिंग को हम यहाँ पे अलाउ नहीं करते। इतनी वेलोसिटी यहाँ पे रखते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे कितनी वेलोसिटी रखी जाती है पार्टिकल की साइज के हिसाब से। तो हम इसलिए नहीं चाहते कि अगर यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मैटर सेट हुआ तो उस ऑर्गेनिक मैटर, वो ऑर्गेनिक मैटर क्या है, बीओडी है, और उस बीओडी को हम रिमूव नहीं कर पाएंगे तो वो यहाँ भी दिक्कत करेगा, क्योंकि इसको तो आप आसानी से कहीं भी डिस्पोज कर दो। जैसे इनऑर्गेनिक पार्टिकल है, सपोज पत्थर के टुकड़े हैं, उन पत्थर के टुकड़ों को तो आप कहीं भी डिस्पोज कर दो, कोई नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन पत्थर के टुकड़ों के साथ ऑर्गेनिक मैटर रहा और पार्शियल डिकम्पोजिशन कंडीशन में रहा तो वो नुकसान करेगा। इसलिए ऑर्गेनिक मैटर को ही हम यहाँ पे अलाउ करेंगे सेटल होने के लिए। बड़े बड़े चैनल होते हैं, उनमें वेलोसिटी इस तरीके की रखी जाती है ताकि सेडिमेंट जो पार्टिकल है सस्पेंडेड सॉलिड्स, वो सस्पेंडेड सॉलिड्स यहाँ पे सेटल हो। ठीक है, सिर्फ ये मैकेनिज्म है ग्रिड चैम्बर का, सिर्फ ग्रिड चैम्बर का मैकेनिज्म ये है। ग्रिड चैम्बर शुड नॉट अलाउ, या मैं इट इज ऐसे लिख देता हूं, इट इज प्रोवाइडेड, इट इज प्रोवाइडेड फॉर द रिमूवल ऑफ, इट इज प्रोवाइडेड फॉर द रिमूवल ऑफ
सेट लेबल इनऑर्गेनिक मैटर, इट डज नॉट अलाउ सेटलिंग ऑफ, इट डज नॉट अलाउ सेटलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। हाँ, क्यों हम फ्लो की वेलोसिटी इस तरह से रखते हैं? ऑर्गेनिक मैटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपैरेटिवली कम होती है इनऑर्गेनिक से। लिखिए डिजाइन क्राइटेरिया, डिजाइन क्राइटेरिया। ग्रिड चैम्बर रिमूव्स पार्टिकल्स ऑफ साइज, ये फैक्ट्स हैं सारे, पार्टिकल्स ऑफ साइज मोर देन इक्वल टू 0.2 mm। द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑफ द ग्रिट, ये जो पार्टिकल ग्रिट चैम्बर में रिमूव होते हैं उनको ग्रिट बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रिट यूजुअली वेरीज फ्रॉम, ग्रिट इज यूजुअली अडॉप्टेड, ऐसा लग देता हूं, इज यूजुअली अडॉप्टेड एज 2.65। फॉर 0.2 mm पार्टिकल, फॉर 0.2 mm पार्टिकल्स सेटलिंग वेलोसिटी इज अराउंड 0.025 मीटर पर सेकेंड, 0.025 मीटर पर सेकेंड। सरफेस ओवरफ्लो रेट, Q by A, this is equal to 2160 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्टॉक्स लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल, स्टॉक्स लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल। कोई बता सकता है क्यों ग्रिड चैम्बर में स्टॉक्स लॉ एप्लीकेबल क्यों नहीं होता? ग्रिड चैम्बर में स्टॉक्स लॉ एप्लीकेबल क्यों नहीं होता, कौन बताएगा? Why Stokes law is not applicable in grid chamber? Anyone? Velocity ज्यादा है, ऐसा कहा गया स्टॉक ने कभी कि velocity ज्यादा होती है तो नहीं मानेंगे? ऐसा तो उसने बेचारे ने कुछ कहा ही नहीं। तुमने जियोटेक में पढ़ा है, कि स्टॉक्स लॉ कब वैलिड होता है कब वैलिड नहीं होता, तो उससे रिलेट करके देखो कुछ निकल के आ रहा है क्या? अच्छा, रेनॉल्ड्स नंबर कम हो, वेरी गुड। और एनीवन, स्टॉक्स लॉ एप्लीकेबल क्यों नहीं है ग्रिड चैम्बर में? वेरी गुड, पार्टिकल साइज। स्टॉक्स लॉ वैलिड होता है 0.2 से 0.002 mm तक, और यहां पे पार्टिकल की साइज 0.2 mm से ज्यादा है। सिर्फ नोट्स बना के रखने से काम थोड़ी चलेगा यार, चलिए कोई बात नहीं। यहां पे जो सेटलिंग वेलोसिटी दी जाती है उसका फॉर्मूला ये है, 4/3 गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय
सी डी इंटू रो डब्ल्यू इंटू डी, और ये वी एस स्क्वायर का वैल्यू है। यहां से आपको सेटलिंग वेलोसिटी निकालनी होती है, सारी चीजें आपको पता है। जो सी डी है, ड्रैग कोफिशिएंट जो है सी डी, उसकी वैल्यू निकालते हैं लगभग 18.5 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर का पावर 0.6। रेनॉल्ड्स नंबर तुमने एफएमए पढ़ा होगा, रेनॉल्ड्स नंबर एफएमए पढ़ा होगा, वी एस डी बाय म्यू। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, जब इन सभी वैल्यूज को उठा के इस वाले इक्वेशन में रखते हैं तो एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आती है, उसको याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। ये लिख लिया, डन एवरीवन। तो ये सारी वैल्यूज को जब एक में लिखते हैं इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। सेटलिंग वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, टुडे वी हैव एग्जाम, क्या यार कौन सी क्लास का एग्जाम है आज? सेटलिंग वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड वी एस इक्वल्स टू 0.707 GS minus 1 into D की पावर 1.6 into mu की पावर minus 0.6 and इसकी होल पावर 0.714। इस इक्वेशन से भी काम चल जाता है आपका। इसके अलावा एक होती है हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल फ्लो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल फ्लो वेलोसिटी, ये तो पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी होगी जो हम चैनल में रखेंगे, उससे कम अगर वेलोसिटी रखा आपने तो ऑर्गेनिक पार्टिकल रिमूव कर जाएगा, ऑर्गेनिक पार्टिकल रिमूव कर जाएगा, इसलिए उससे कम वेलोसिटी नहीं रखते, उसको नाम दे दिया जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। और उसका फॉर्मूला दिया जाता है वी सी इज इक्वल टू के सी जी इंटू जी एस माइनस वन इंटू टी। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना होता है एनवायरमेंट में, सारी ऐसा यूनिट्स होती है। यहां पे K का जो वैल्यू है, KC का वैल्यू जनरली 4 अडॉप्ट किया जाता है, 4 जनरली KC का वैल्यू जनरली 4 अडॉप्ट किया जाता है अगर कुछ नहीं कहा है तो, बस बाकी चीजें तो जो दी हुई होंगी वही रहेंगी। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर हैविंग एग्जाम, कौन से ईयर के एग्जाम है आज? चलो एक काम करो, शुरू से बताओ आप, एक मिनट, शुरू से बताओ कितने लोगों का एग्जाम है वापस से। एक सौम्या, दूसरा योगेश, और कोई आकाश, रामकृष्ण, बस 4 लोगों का, अभिनव, और कोई भी है?
कितने 10 बजे से है? दस बजे से है? नहीं वो तो कोई बात नहीं राहुल, करवा देंगे कंप्लीट, तो परसों की जगह एक दिन नेक्स्ट ले लेंगे बस, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। अभी मैं कोशिश करूंगा परसों खत्म हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक काम करूंगा, तुम्हारे पास नोट्स होंगे एयर पोल्यूशन के, तो एयर पोल्यूशन मेरे ख्याल से पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एयर पोल्यूशन में ये कौन कौन सी गैस से क्या क्या होता है, कौन कौन सी गैस का नुकसान करती है, किससे क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है एयर पोल्यूशन में वही मैं बताऊंगा। सिर्फ एक कन्वर्जन रेट क्या है, ईएलआर एएलआर रेट क्या है, वो सारी चीज तो कंप्लीट तो हो जाएगा। चलो एग्जाम दे लो, और तो क्या कर सकते हैं, एग्जाम का काम ही ऐसा है। कब खत्म होंगे एग्जाम तुम्हारे? अब बीच में 3 दिन तक कोई एग्जाम नहीं है ना, इसके बाद, आज के बाद 3 दिन तक कोई एग्जाम नहीं है ना। कब है? 2 को। अच्छा 2 तक तो जाएगा नहीं अपना, अगर 2 को है तो अभी 2 को तो खत्म करना ही है, फिर तुम एग्जाम देते रहना। ऐसा कर लेना, इन लोगों से नोट्स ले लेना तुम आज के, अरे नोट्स वैसे भी हैं तो तुम्हारे पास, मेरे ही नोट्स हैं। चलो कोई बात नहीं, छुट्टी कर लो, लेकिन अब जो 2 तारीख होगी, 2 तारीख को तो खत्म करना ही है। एयर पोल्यूशन में वैसे डिक्टेट कर दूंगा, तुम्हारे पास नोट्स होंगे मेरे वाले, उनका प्रिंट आउट निकला लेना, ठीक है? सबके पास है ना एनवायरमेंट के नोट्स, सभी के पास हैं। एनवायरमेंट के नोट सभी के पास हैं तो खत्म कर देंगे 2 तारीख तक, कोई दिक्कत नहीं इजीली। तब तक आज के लिए तुम प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम है तो एग्जाम के बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता, और कोई दूसरी बात होती तो करते कुछ। चलिए कोई बात नहीं, कल मिलते हैं फिर, और तो क्या करें।